क्या लगा, रॉकी मर गया? केजीएफ 3 की कई सारी फैन थ्योरीज इंटरनेट पर मौजूद है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि आगे चलकर फरमान ही सालार बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, फरमान सालार बन ही नहीं सकता, और उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, जो ये है कि केजीएफ 2 की कहानी 80 के दशक के आसपास की लिखी गई है और फरमान नाम के बच्चे को यश के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाया गया है, और स्क्रीन पर यश और फरमान के बीच 15 साल का गैप दिखाया गया है। अब अगर ये लड़का सालार के पोस्टर में दिख रहे प्रभास के जितना बड़ा होगा, तो यश की उम्र भी तो प्लस 50 चली जाएगी ना, और रॉकी और सालार के बीच भी 15 साल का जो फर्क है वो तो कायम रहेगा, वो दिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। उसके साथ ही हमारी दूसरी वजह यह है कि फरमान यश को अपना भगवान मानता है और उसके लिए अपनी जान भी दे सकता है। जब फरमान बड़ा होकर सालार बनेगा तो क्या वो रॉकी के अंडर में काम करना चाहेगा, क्योंकि वो बिल्कुल रॉकी जैसा ही है, और सालार का किरदार प्ले कर रहे प्रभास जो पहले से ही बाहुबली जैसा किरदार प्ले कर चुके हैं, क्या उनके फैंस उन्हें किसी के अंडर काम करते हुए देखना चाहेंगे? जवाब है बिल्कुल भी नहीं, वो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। प्रभास यानी कि सालार की अपनी एक अलग जर्नी होगी और किसी पॉइंट पर यश और सालार का आमना सामना जरूर होगा, लेकिन सालार यश के अंडर काम नहीं करेगा। इसके साथ ही हमारी तीसरी वजह है निर्देशक प्रशांत नील। तो देखो दोस्तों, अगर प्रशांत नील प्रभास और यश को एक साथ लाएंगे तो वो दोनों को ही बराबरी का स्क्रीन टाइम देंगे, दोनों के किरदारों को दमदार दिखाएंगे, लेकिन ये करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। साथ ही अगर उनके पास दो इतने बड़े साउथ एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने किरदारों से पूरे भारत पर डोमिनेंस किया है, राज किया है, तो फिर वो दोनों को लाकर एक अच्छी मूवी और पावरफुल मूवी बनाएंगे जिसका बजट, स्टोरी और स्क्रीन प्ले मार्वल के लेवल का हो। तो ये तीनों पॉइंट्स तो ये प्रूफ करते ही है कि सालार फरमान नहीं है, लेकिन फरमान के जिंदा होने की पूरी पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि अधीरा ने फरमान को मारा नहीं था और ना ही हमने फरमान की लाश देखी थी। और अगर किसी किरदार को इतना स्क्रीन टाइम मिला है तो उसका कोई तो कारण होगा ना। अब फरमान भले ही सालार नहीं है, लेकिन फरमान फरमान तो है ना, और वो केजीएफ 3 में लौटकर जरूर आएगा, जो अपने भगवान रॉकी भाई की 16 मुल्कों का सोना लूटने में और फिर उन्हें बचाने में मदद करेगा। लेकिन ये किरदार प्रभास नहीं बल्कि कोई और एक्टर प्ले करेंगे जिसका अपना ही इम्पोर्टेंस होगा, और वो सालार नहीं है। आपका इन सब पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।